बिहार में चुनावी रंग भरपूर देखने को मिल रहा है। इस बार बिहार चुनाव में जहां गठबंधनों की संख्या ज्यादा है तो वहीं इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी काफी हैं। इस बार एक या दो नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पूरे 6 दावेदार मैदान में आमने सामने हैं। लेकिन कुर्सी एक ही है। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि सभी दिग्गज उम्मीदवार हैं और अपनी अपनी दावेदारी सीएम पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। जदयू, बीजेपी, हम और वीआईपी के गठबंधन का एनडीए ने जहां एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही सीएम का चेहरा घोषित किया है, तो वहीं महागठबंधन में इस बार काफी उठापटक के बाद तेजस्वी यादव को ही सीएम पद का उम्मीदवार माना जा रहा है। इनके अलावा 6 दलों को मिलाकर बने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया है। वहीं प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ने जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को अपना सीएम कैंडिडेट बनाया है। इसके साथ ही प्लूरल्स की पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी खुद को बिहार का सीएम कैंडिडेट घोषित कर रखा है। इन सब के बीच गठबंधन से आजाद होकर अकेले चुनाव लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना सीएम उम्मीदवार चिराग पासवान को बताया है, लेकिन कभी चिराग पासवान ने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कुर्सी एक है, उम्मीदवार 6 हैं, मुकाबला दिलचस्प है। ऐसे में 10 नवंबर को देखना होगा आखिर बिहार की जनता किसके सिर पर बिहार जिम्मेदारी देती है। न्यूज़ डेस्क।